पीड़िता का चचेरा भाई एक बार फिर टीवी 9 भारतवर्ष के साथ मौजूद है। सुबह पुलिस को देखकर हालांकि वो भागा था, डरा हुआ था, लेकिन एक बार फिर वो किसी तरीके से गांव से बाहर निकला है। ये बताओ तुम घर जब सुबह भागे, भागी क्यों? तो सुबह ये बताओ, पुलिस वाले मार रहे हैं इसलिए मैं तुमको बुलाने आया था कि हमारे ताऊ और हमारी ताई तुमसे मुलाकात करना चाहती हैं। पुलिस घर के आसपास चारों तरफ है? हाँ, चारों तरफ है। अच्छा, इसलिए और डंडा मार रही है, किसी को नहीं घर से बाहर निकलने दे रही। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं घर से कोई निकल रहा तो मारेंगे, और डंडा मार रहे हैं, हमारे ताऊ तो मारे हैं। अच्छा, तुम घर गए थे उसके बाद जब सुबह हमसे मुलाकात हुई थी? हाँ गए थे। पुलिस ने कुछ बोला आपको? पुलिस वाले घुसने नहीं दे रहे घर में। क्या कह रहे हैं? कह रहे जो कोई निकलेगा और ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मार रही है। हाँ, लात मारी थी। ताऊ की लात मारी थी तुम्हारे, यानी कि जो बच्ची थी उसके पिता को, ओम प्रकाश जी को? किसने मारी थी लात? उसने मारी थी, वो दरोगा होते हैं उन्होंने। अच्छा। वो 11 वर्ष हो गए थे। अच्छा, तो अभी भी घर पर पहरा है पुलिस का? हाँ यस। कितने पुलिस वाले हैं घर के अंदर? होंगे 150-200 आदमी। 150-200 पुलिस वाले। और परिवार कहाँ पर है? परिवार तो घर में बंद कर दिया है, कुंजी से कुंडी लगा रखी है बाहर से, किसी को नहीं निकलने दे रही। अच्छा, अधिकारी है वहाँ पर कोई? अधिकारी कोई नहीं। एम्बुलेंस गई थी घर पर, किस लिए गई है? एम्बुलेंस नहीं गई है। तो बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से ये वो बच्चा है, पीड़िता का भाई है, जो पहुंचा है एक बार फिर यहाँ पर, खुद साफ तौर पर बता रहा है कि घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है, कुंडी लगाई हुई है घर के बाहर, और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। बच्चा किसी तरीके से सुबह हमारे पास आया था, TV9 भारतवर्ष से इसने सुबह भी एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसके बाद पुलिस को देखकर ये खेतों के रास्ते भागा, पुलिस से बचने के लिए वापस अपने घर पहुंचा, लेकिन इसको घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने साफ कह दिया जो घर के अंदर है वो घर के अंदर रहेगा, जो घर के बाहर है वो बाहर रहेगा। कैमरामैन निरंजन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी